जंगल की सारी चिड़ियाएं एक साथ होली मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। सबसे पहले वो अपने रोज के काम करती हैं। उन्हीं में से एक बुलबुल चिड़िया होती है जो सबसे पहले पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करती हैं। हे दुर्गा माता, सभी चिड़ियाओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और शर्मिला चिड़िया भी अपने बच्चों को नहलाकर तैयार करती है। वो अपने दोनों बच्चों को बड़े चाव से नहलाती है। इस तरह सभी चिड़ियाएं अपना अपना काम निपटाकर होली खेलने जंगल की ओर निकल जाती हैं। उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। बहुत दिन हो गए चिड़िया का मीट नहीं खाया है। आज होली है, पास के गांव में जाती हूँ, कोई ना कोई शिकार जरूर मिल जाएगा। और वो अपने जादू से एक चिड़िया का रूप धारण कर लेती है और गांव की ओर निकल पड़ती है। उधर गांव में सभी चिड़ियाएं बड़े प्यार से होली खेल रही होते हैं। बच्चे एक दूसरे को रंगों से भिगाते हैं और सभी चिड़ियाएं एक दूसरे को रंग लगाती हैं और होली की बधाई देते हैं। तभी वहां चुड़ैल भी पहुंच जाती है जो जंगल की चिड़ियाओं को रंग लगाती है और उनके साथ होली खेलने का नाटक करती है। तभी उस चुड़ैल की नज़र पास में होली खेल रहे बच्चों पर पड़ती है और वो रंग लगाने के बहाने बच्चों के पास जाती है। हैप्पी होली बेटा, इधर देखो, मैं आपको रंग लगाने आई हूँ। जैसे ही चिंटू उनकी तरफ देखता है तो वो अपने जादू से चिंटू को बेहोश कर देती हैं। और वो चिंटू को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन उन्हें बिमला देख लेती है। मुझे सारी चिड़ियाओं को जल्दी से बताना होगा कि चिंटू खतरे में है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? प्लीज मुझे जाने दो। इतने में बिमला वहां पहुंचती है और कहती है, टुनटुन, तुम्हारे बेटे को वो चुड़ैल उठा के ले गई है। मैंने उसे तुम्हारे बेटे को ले जाते हुए देखा। ये आप क्या कह रही हो बिमला भाभी? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? आप घबराओ नहीं बुलबुल, हम दादी को पूछते हैं, वो सबसे सयानी चिड़िया हैं, उनके पास जरूर कोई न कोई उपाय होगा। दादी मेरी मदद कीजिए, मैं कैसे उस चुड़ैल से अपने बच्चे को बचा सकती हूँ? उस चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है, तुम सूरज की रोशनी में उसके सर में पानी डाल देना, वो जल के भस्म हो जाएगी। बुलबुल तुम घबराओ नहीं, इस नए काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो बुलबुल हम चलते हैं। और दोनों चिड़ियाएं चिंटू को बचाने उस चुड़ैल की गुफा की ओर निकल जाती हैं। दीदी आप यहीं पर इंतजार करना, मैं उस चुड़ैल को बाहर बुला के लेके आती हूँ।
दुष्ट चुड़ैल कहाँ छिपके बैठी है, बाहर निकल। अरे वाह, आज तो दो दो चिड़िया, लगता है ऊपर वाला मेरे पर मेहरबान है, मैं तुझे भी खा जाऊंगी। दुष्ट, पहले मुझे पकड़ के तो दिखा, खाना न खाना तो बाद में देख लेंगे। और बुलबुल उड़ जाती है और वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे गुफा के बाहर की तरफ जाने लगती है। तेरा अंतिम समय आ गया है दुष्ट। और शर्मिला बुआ उसके ऊपर पानी डाल देती है और वो चुड़ैल तड़पने लगती है। और इस तरह जंगल की सारी चिड़ियाओं की मदद से बबलू अपने घर वापस आ जाता है और होलिका दहन के दिन बुराई का अंत हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। ये कहानी है आजमगढ़ जंगल में रहने वाले एक गरीब कौवे की, जिसका नाम भोलू था। भोलू अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन घर का सारा काम करती है। बेटा, आज मैं बबलू कबूतर के घर जा रहा हूँ। मैं बीज के लिए कुछ पैसे उधार लूंगा बबलू कबूतर से। ठीक है बाबा, आप संभल के जाना। और भोलू कौवा बबलू कबूतर के घर निकल जाता है। मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा, वो रहा बबलू कबूतर का घर। अरे भोलू भाई, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, आज कैसे आना हुआ? और टुनटुनी बेटिया ठीक है घर पे? हाँ बबलू भैया, सब ठीक है। मुझे दरअसल आपकी मदद की जरूरत है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, आप बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मेरे भाई? मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। बबलू भैया, मुझे इस बार बीज लेने के लिए कुछ रुपए की जरूरत है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे भोलू, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं अभी आपको रुपए देता हूँ। और वो भोलू को रुपए दे देता है। भोलू उसे धन्यवाद कहके सीधे बाजार की ओर निकल जाता है। भोलू सीधे शर्मिला ताई की दुकान पे जाता है। शर्मिला ताई, मुझे अच्छी क्वालिटी की गाजर के बीज दे दो। अरे हाँ हाँ भोलू भैया, मैं आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी की बीज दूंगी। और भोलू बीज लेके फटाफट अपने घर की ओर निकल जाता है। टुनटुनी बेटा, मैं बीज तो ले आया हूँ, कल सुबह खेत में जाकर मैं बीज को बो दूंगा। और भोलू खेत में पहुंच के ट्रैक्टर चलाता है और खेत को बीज बोने के लायक बनाता है। चलो, सारे बीज तो बो दिए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाबा, बारिश तो बहुत तेज है, कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए।
टुनटुन की बातें सुन भोलू भी मन ही मन घबराने लगता है और वो अगले दिन खेत में जाता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई होती है। ये देखकर भोलू बहुत रोता है और जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा होता है उसे एक चमकदार चीज दिखती है और वहाँ पे एक दो मुंह वाली चिड़िया आती है। भोलू उस अजीब से मुंह वाली चिड़िया के पास जाता है और पूछता है, अरे आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो? मैं इस जंगल की देवी हूँ और मैं स्वर्ग से तुम्हारी परेशानी को देखकर धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अरे आप सच कह रही हो, मेरी फसल खराब हो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा दूंगी, तुम अपने खेत में उसको बो देना और तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और वो भोलू कौवे को जादुई अंडा दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं किस मुंह से आपको शुक्रिया करूं? कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाइए। ये बोलकर वो चिड़िया भी वहां से गायब हो जाती है। और भोलू कौवा भी अपने घर चले जाता है। बिटिया आज मुझे रास्ते में जंगल की रानी मिली और उन्होंने मुझे एक जादुई अंडा दिया है और इसको अपने खेत में बोने के लिए कहा है। ठीक है पापा, कल आप बोने के लिए चले जाना, अभी आप आराम करो। और सुबह होते ही भोलू कौवा अपने खेत में चले जाता है और खेतों को फिर से ट्रैक्टर चलाकर बुआई के लिए तैयार करता है और उसमें जादुई अंडा बो देता है। और उनका खेत अंडे के खेत में बदल जाता है जिसमें बहुत सारे अंडे लगे होते हैं। ये देख भोलू कौवा खुशी से झूम उठता है और टुनटुनी को भी खेत में लेके आता है। इस तरह अंडों को बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और सबका उधार भी वापस कर देते हैं। भोलू कौवा उन सबको धन्यवाद कहता है जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त पे सबकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अलविदा, टेक केयर। इस बार सारी चिड़िया डिसाइड करती हैं कि वो दीपावली एक साथ मनाएंगी, तो सभी अपने अपने तैयारी करने निकल जाते हैं। सोनी चिड़िया भी दीपावली की तैयारी करने में लग जाती है। मुझे सबसे पहले बाजार जाना होगा। और सोनी चिड़िया बाजार की ओर निकल जाती है। उसे रास्ते में बुलबुल दिखती है तो वो बुलबुल को भी पूछती है, बुलबुल तुम भी दीपावली की शॉपिंग करने चलो मेरे साथ, इस बार दीपावली सब एक साथ मना रहे हैं। और वो दोनों मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं। वहां से दोनों अपनी फेवरेट सब्जियां खरीदती हैं।
उधर टुनटुन चिड़िया सबसे पहले अपने बच्चों को नहलाती है। उधर बबलू और मिंकू पूरे जंगल की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं और पूरे जंगल को एकदम साफ सुथरा बनाने में लग जाते हैं। उधर टुनटुनी चिड़िया सभी के लिए पटाखे लेने मार्केट की ओर जाती है। मुझे जल्दी जल्दी सभी के लिए सामान लेने और पटाखे लेने जाना होगा। टुनटुनी मार्केट पहुंच जाती है और वो देखती है मार्केट पूरी तरीके से सजा हुआ होता है। वहाँ अनेक रंग बिरंगी लाइटें होती हैं और दीपावली का बहुत सारा सामान होता है। अलग अलग टाइप के पटाखे, बम, चक्री और बहुत सारे नए नए पटाखे होते हैं। उनको देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और वो अपने और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे पटाखे और गिफ्ट लेती है और घर की ओर निकल लेती है। आज तो बहुत शॉपिंग कर ली है, मुझे जल्दी जल्दी घर की ओर जाना चाहिए। और कुछ चिड़ियाएं जंगल को सजाने के लिए निकल पड़ती हैं और वो नए नए चीजों से जंगल को सजाने लगती है। वो बहुत अच्छे से पूरे जंगल को सजा देती हैं और जंगल सजाने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगता है। जंगल में सारे चिड़ियाओं के घर बहुत अच्छे से सजे हुए होते हैं और टुनटुनी चिड़िया का घर भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उधर टुनटुनी की माँ सबके लिए समोसे बनाती है और वो सबके लिए खीर और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है। उसी जंगल में एक गरीब कौवी सीमा भी रहती है। सीमा सबके लिए गाजर का हलवा बनाती है। सीमा गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनाती है। और शाम होते ही सारे चिड़ियाएं जंगल में इकट्ठा होने लगती हैं और सभी चिड़ियाएं बहुत खुश होती हैं क्योंकि आज दीपावली होती है। और सबसे पहले सभी चिड़ियाएं महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद सारे चिड़ियाएं पटाखे जलाने लगती हैं।
जा रहा है। अब पटाखों की बारी है, पटाखे चलाता हूँ। ये लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। पटाखों को हमेशा दूर से चलाना चाहिए। और इस तरह सारे चिड़ियाएं मिलके बहुत सारे पटाखे जलाते हैं। आप सभी को जंगल की सारी चिड़ियों की ओर से हैप्पी दीपावली। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम बुलबुल था। बुलबुल सब्जी का ठेला लगाया करती थी और बुलबुल बहुत मेहनती थी। बुलबुल 1 किलो गाजर देना। अभी देती हूँ बहन, गाजर बहुत ताजे ताजे हैं और सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप अच्छे अच्छे गाजर ले जाइए। इसी तरह बुलबुल की सारी सब्जियाँ बिक जाती हैं और वो सीमा दीदी के घर झाड़ू पोछा करने चली जाती है। अरे बुलबुल आ गई तुम, आज बहुत सारा काम है। आज पूरे घर की सफाई करनी है क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दीदी, मैं भी करती हूँ सारा काम। और बुलबुल पूरे घर की सफाई कर देती है और बर्तनों को चमका के बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना देती है। चलो मेरा सारा काम तो हो गया, अब मैं घर की ओर निकलती हूँ। ठीक है बुलबुल, तुम जाओ, कल टाइम से आ जाना। और बुलबुल अपने घर की ओर चली जाती है। बुलबुल बहुत गरीब होती है तो उसके पास पक्का घर नहीं होता है, वो घोंसला बना के एक पेड़ में रहती है। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस कारण बुलबुल भीगने लगती है। जंगल की अन्य चिड़ियाएं अपने अपने पक्के घरों में रहती है, जिससे बारिश से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन बुलबुल रात भर भीग जाती है, जिससे वो बीमार हो जाती है। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है और बुलबुल की मालकिन सोचती है, बुलबुल काम करने क्यों नहीं आई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जाके देखती हूँ कि क्या बात है, आखिर बुलबुल क्यों नहीं आई। और वो बुलबुल से मिलने चले जाती है। अरे बुलबुल क्या हुआ तुम्हें? बुलबुल आंखें खोलो बुलबुल। और वो बुलबुल को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करता है,
घबराने की कोई बात नहीं है, रात भर भीगने से बुलबुल बेहोश हो गई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बुलबुल को ठीक कर दो। और वो मन ही मन सोचती है कि बुलबुल उनके घर में काम करती है तो उसे भी बुलबुल की मदद करनी चाहिए। और वो सीधे अन्य चिड़ियों के पास जाती है और उन्हें भी बोलती है, बुलबुल हमारे घर में काम करती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर वो पूरी सर्दियाँ कैसे काटेंगी, हमें उसके लिए एक घर बनाना चाहिए। और सारी चिड़ियाएं मिलके बुलबुल के लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाती हैं, जिसमें बुलबुल खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नई कहानी में। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। ये कहानी है बुलबुल नाम की एक चिड़िया की, जो अपने घोंसले में अपने पति और अपने बेटे मिंकू के साथ रहती थी। बुलबुल का पति रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अरे आज मैं फिर से लेट हो गया हूँ, अब मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस को निकलना चाहिए। और बबलू कबूतर अपना काम करने लगता है। और उधर बुलबुल चिड़िया अपने रोज के काम करने लगती है। चलो ये काम तो हो गया, आज मुझे जंगल की सफाई करने जाना है, मुझे जल्दी जल्दी जंगल की ओर निकलना चाहिए। लिंकू तुम घर पे ही रहना, मैं जंगल की सफाई करने जा रही हूँ। मैं भी आऊंगा माँ, मुझे भी आना है आपके साथ, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा सफाई करने में। चलो ठीक है बेटा, अगर आप भी आना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। और वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मैं पहले पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मिंकू के साथ सफाई करूंगी। उधर मिंकू जंगल की सफाई करने लगता है। मिंकू सफाई करते करते रोड की तरफ आ जाता है। रोड के दूसरी साइड से बहुत तेजी से एक गाड़ी मिंकू की ओर आती है और मिंकू का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज है, क्या हुआ मेरे बेटे को? मिंकू मेरे बच्चे, ये कैसे हो गया? और वो मिंकू को हॉस्पिटल ले जाती है। अरे सर, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने अभी अभी न्यूज में देखा। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, चलो ठीक है मैं निकलता हूँ ऑफिस से। और बबलू हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज डॉक्टर साहब।
आपके बेटे के सर में चोट लगी है। आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत होगी। आप जल्दी से रुपए का इंतजाम करो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं मिंकू के इलाज में 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इतने कम समय में हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? भगवान पे भरोसा रखो बुलबुल, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आप मेरी माँ के घर जाओ, मुझे पूरा भरोसा है माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। ठीक है बुलबुल, मैं अभी जाता हूँ। और बबलू बुलबुल की माँ के घर निकल जाता है। अरे दामाद जी, आज आप अकेले कैसे? बुलबुल और मिंकू कहाँ है? उनको नहीं लाए साथ में आप? सासू माँ, मिंकू का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हो दामाद जी? मिंकू का एक्सीडेंट? हाँ सासू माँ, वो अपनी माँ के साथ जंगल गया था और एक गाड़ी वाले ने उसको ठोकर मार दी। अभी उसे हमने हॉस्पिटल में भर्ती करा है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं। ठीक है दामाद जी, मैं आपको रुपए देती हूँ। मेरा आप तीनों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन, मैं भी रुपए लाती हूँ। और वो बबलू को 3 लाख रुपए दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सासू माँ, अब मुझे निकलना चाहिए। ठीक है दामाद जी, संभल के जाना। और बबलू हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। इस तरह को ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मिंकू ठीक हो गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। अब मिंकू खतरे से खाली है, आप इसे घर ले जा सकते हो। और वो तीनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं और खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रोड में ध्यान से चलना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय, अलविदा। ये कहानी है सुंदरवन में रहने वाले एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी अपने बेटे बबलू के साथ रहती है और टुनटुनी बबलू को समझाकर रोज के काम करने निकल जाती है। मुझे जल्दी जल्दी फूलों में पानी देकर बाजार सब्जी बेचने भी जाना है। चलो ये काम तो हो गया, अब सब्जी बेचने जाती हूँ। और टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचने लगती है। टुनटुनी बहन, 1 किलो गाजर देना। अभी देती हूँ शर्मिला ताई, एकदम ताजी ताजी गाजर है। उसी बाजार में एक पानी पूरी वाला चील था, वो टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था। पानी पूरी, पानी पूरी, पानी पूरी, ताजा ताजा पानी पूरी खा लो, पानी पूरी खा लो। सारी सब्जियां तो बिक गई हैं, अब मुझे घर की ओर निकलना चाहिए। और टुनटुनी चिड़िया घर की ओर निकल जाती है। वो दुष्ट चील भी टुनटुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है। और वो मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर देता है
और टुनटुनी चिड़िया को किडनैप करके अपने घर ले जाता है। अरे ये क्रूर चील टुनटुनी चिड़िया को कहाँ ले जा रहा है? मुझे टुनटुनी चिड़िया के घर में बताना चाहिए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरे बाजार में तुम्हारी वजह से मेरी शॉप में कोई नहीं आता है, सब तुम्हारे ही दुकान पे जाते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। और शर्मिला बुआ टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। बबलू, तुम्हारी माँ को चील किडनैप करके ले गया है। हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर करनी चाहिए, पता नहीं वो चील क्या करेगा। बुआ, आप घर पे ही रहो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस को लेकर उस बाज के घर जाता हूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। और बबलू चिड़िया पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है। और बबलू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस अंकल, मेरी माँ को चील ने किडनैप कर लिया है। तुम घबराओ नहीं, हम अभी उस चील के घर चलते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं। और वो दोनों टुनटुनी को बचाने चील के घर चल लेते हैं। प्लीज अंकल, हमें जल्दी जल्दी जाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। अब तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रुक जाओ दुष्ट चील, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी खैर नहीं। चुपचाप से टुनटुनी चिड़िया को आजाद कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चील पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है और पुलिस उस पर गोली चला देती है। और चील को गोली लग जाती है। इस तरह चील का अंत हो जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी अपने बेटे को उठाने उसके कमरे में जाती है। बबलू बेटा, उठो बेटा, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा, मैं सोच रही थी इस बार हम क्रिसमस में जंगल की सारी चिड़ियाओं को बुलाते हैं और मिलके पार्टी करते हैं। हाँ माँ, आप ठीक कहती हो, हमें सबको बुलाना चाहिए, खूब मजा आएगा सबके साथ। मैं सबको पार्टी का इनविटेशन देने जाता हूँ। और वो सभी को पार्टी में बुलाने चल देता है। बड़ा मजा आएगा, सब मिलके क्रिसमस मनाएंगे। तभी उसे एक घायल चिड़िया दिखता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इनको क्या हो गया? इनकी ये हालत किसने करी? मुझे इनको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और बबलू उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है।
अरे इनका तो बहुत खून बह चुका है, मुझे इनको जल्दी से इंजेक्शन देना चाहिए। और वो चिड़ा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अरे धन्यवाद बोलना है तो उस बच्चे को बोलो, अगर वो आपको सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। धन्यवाद बेटा, आपकी वजह से मेरी जान बची। कोई बात नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बेटा आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। और बबलू उनके साथ उनके घर चल देता है। अरे बेटा इतनी लेट कहाँ लगा दी थी, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी, और ये कौन है साथ में? माँ जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसी बच्चे ने मेरी जान बचाई है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कोई बात नहीं दादी, मेरी माँ कहती है हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आज हमारे घर क्रिसमस की पार्टी है तो आप भी जरूर आना। हाँ बेटा हम जरूर आएंगे। और वो जंगल की बाकी चिड़ियाओं को इनवाइट करने चल देता है। वो सभी चिड़ियाओं को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये सब सुन के सारी चिड़ियाएं बहुत खुश हो जाती हैं। और बबलू अपने घर की ओर निकल जाता है। चलो मैंने सारी चिड़ियाओं को इनवाइट कर दिया, अब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। अरे बेटा तुमने इतनी लेट कहाँ लगा दी थी? और बबलू उनको सारी बात बताता है। ये सुन के उसकी माँ कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। चलो अब फटाफट से क्रिसमस ट्री तैयार कर दो, मैं मेहमानों के लिए पकवान बनाती हूँ। और वो सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ बनाती है। उधर बबलू ने एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री तैयार कर दिया था और बबलू खुशी से झूमने लगता है। शाम होते ही जंगल की सारी चिड़ियाएं दावत में आती हैं और वो बहुत मज़े करती हैं। और सभी चिड़ियाएं एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करके अपने अपने घर चली जाती हैं और बबलू भी सो जाता है। और उनके घर सेंटा क्लॉज आने की तैयारी करते हैं। वो सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं और सुंदर वन की ओर निकल पड़ते हैं। वो बबलू को बहुत खूबसूरत गिफ्ट देते हैं। जंगल की सारी चिड़ियाओं की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम टुंटनी था। टुंटनी अपने बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम बबलू था। बबलू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ दूसरे के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। वो बहुत गरीब थे।
टुनटुनी एक सेठनी के घर में नौकरानी का काम करती थी और वो काम के लिए निकल जाती है। जहाँ वो काम करती थी उसकी मालकिन बहुत चालाक थी। वो टुनटुनी से बहुत काम करवाती थी और उसे टाइम पे रुपये भी नहीं देती थी। हालात की मारी टुनटुनी घर का सारा काम करती थी और जंगल से लकड़ियाँ भी लेके आती थी और रोज़ यही काम करते हुए टुनटुनी का दिन निकल जाता था और शाम होते ही वो अपने घर आ जाती थी। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन आती है और कहती है, टुनटुनी बहन, मैं अपने भतीजे के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, आप मेरे घर का ध्यान रख देना। हाँ बुआ, मैं आपके घर का ध्यान रख दूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। दो दिन बाद तो मेरा भी बर्थडे आ रहा है, इस बार हम बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे माँ, मुझे भी सबको बुलाना है। हाँ बेटा, हम भी आपका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन टुनटुनी को पता होता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और वो मन ही मन ये सारी बातें सोचकर परेशान होने लगती है। इसी तरह वो दिन भी जल्दी ही आ जाता है जब बबलू का बर्थडे था। आज टुनटुनी और बबलू जल्दी उठ जाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो बेटा, भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो और तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू माँ। माँ, और घर आते समय आप केक लाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ बेटा, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। और वो रोज की तरह सेठानी के घर काम करने चले जाती है। मालकिन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप मुझे बोनस में कुछ पैसे उधार दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। क्या कहा, एडवांस में पैसे? मैंने तुझे पिछली बार भी पैसे दिए थे, तुमने वो भी नहीं और लौटाए, बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं मिलेगा, जा जाकर अपना काम कर। और बेबस टुनटुनी चिड़िया अपना काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद वो दुकान की ओर निकल जाती है। बोलो भैया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे और उधार? बिल्कुल नहीं, मैंने उधार देना बंद कर दिया है, चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे अपने बेटे का जन्मदिन मनाऊंगी, हे भगवान मेरी मदद करो। तभी उधर नदी में हलचल होने लगती है और वहाँ एक बहुत खूबसूरत जलपरी आ जाती है। वो टुनटुनी को पूछती है, चिड़िया रानी, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है लेकिन मैं इतनी बेबस हूँ कि उसके लिए एक केक भी नहीं खरीद सकती। ये सब सुन के जलपरी उसे एक जादुई मोती देती है और कहती है, इस जादुई मोती को तुम अपने घर ले जाना और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चिड़िया रानी जलपरी को धन्यवाद बोलती है और वो जादुई मोती अपने घर ले जाती है। जैसे ही वो जादुई मोती को घर लाती है तो उनकी झोपड़ी एक बहुत खूबसूरत घर में बदल जाती है। बबलू के बर्थडे का सारा सामान भी आ जाता है।
और बबलू खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाता है और बबलू आज बहुत खुश होता है। अगले दिन टुनटुनी अपनी मालकिन के सारे पैसे वापस कर देती है और वो वहाँ काम छोड़ देती है। अब उनके पास बहुत पैसे होते हैं, इसलिए वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। टुनटुन रोज की तरह सुबह उठ के पूजा पाठ करने लगती है। फिर वो अपने दुकान के लिए समोसा बनाने लगती है। ए, चलो समोसे भी बन गए, अब इसको बेचने बाजार जाती हूँ। और टुनटुन चिड़िया समोसे बेचने बाजार चले जाती है। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म समोसे हैं, समोसे ले लो। और इस तरह टुनटुन के सारे समोसे बिक जाते हैं। समोसे तो बिक गए, अब मैं अपने दोस्त मिट्ठू से मिलने जाती हूँ। बहुत टाइम से मैं मिट्ठू से नहीं मिली हूँ। ये मिट्ठू से मिलने। अरे मिट्ठू चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया? क्यों रो रही हो? टुनटुन चिड़िया, मेरी काफी लंबे समय से तबीयत खराब है। मुझे बुखार है और मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। मिट्ठू, तुम रोना बंद करो, मैं डॉक्टर कोकिला को बुला के लेके आती हूँ। और डॉक्टर कोकिला को बुलाने टुनटुन निकल पड़ती है। हमें जल्दी चलना होगा, चलो जल्दी से। अरे मिट्ठू चिड़िया, अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो जाओगी। रुको, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। ओह अच्छा, तो मैं तो काफी लंबे समय से बुखार है, इसके लिए तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इस तरह मिट्ठू चिड़िया ठीक हो जाती है और टुनटुन और मिट्ठू दोनों साथ में समोसे खाने लगते हैं। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। आज वो दोनों जंगल मेला देखने जाते हैं। जंगल में बहुत खूबसूरत मेला लगा होता है। वहाँ अनेक प्रकार के खेल खिलौने आए रहते हैं। धीरे धीरे जंगल की सारी चिड़ियाएं मेला देखने पहुँच जाती हैं। उसी मेले में बंटी कबूतर भी आए रहता है। वो बुलबुल को देखता है और उसे पसंद कर लेता है। बुलबुल अपने घर के लिए बहुत सारा सामान खरीद के अपने घर की ओर निकल जाती है। उधर बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, मैंने वहाँ एक चिड़िया को देखा, वो मुझे पसंद है माँ। बबलू की माँ टुनटुनी से बुलबुल का हाथ मांगने जाती है और बुलबुल और बबलू कबूतर की शादी तय हो जाती है।
और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और बुलबुल चिड़िया की विदाई हो जाती है। और बुलबुल चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बबलू ऑफिस के काम से बाहर जाता है। अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। और वो अपनी माँ को अलविदा कहके घर से निकल जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और वो एक भूतिया गुफा की ओर चले जाता है। आज तो शिकार खुद मेरे घर आया है। आज तो अच्छी दावत होने वाली है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम तो मेरा भोजन बनोगे। उधर बुलबुल चिड़िया अपने पति का इंतजार करती है। सासू माँ, अभी तक वो घर नहीं आए ऑफिस से। मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हे भगवान, मैं कैसी अपशगुनी बहू ले आई हूँ। अपनी सासू माँ के तानों को सुनकर टुनटुनी की आंखें भर आती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तेरा हाथ मांगा था तेरी माँ से। तू अपशगुनी है, तेरी वजह से मेरा बेटा लापता है। आज से तू घर का सारा काम करेगी। माँ, मैं घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे अपशगुनी मत कहो माँ। और बेचारी बुलबुल चिड़िया घर का सारा काम करती है। वो घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरे पति जल्दी से जल्दी घर आ जाए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। बुलबुल की ये बात एक मधुमक्खी सुन रही होती है और उसे बुलबुल की हालत देख के रोना आ जाता है। हमें उस बेचारी की मदद करनी चाहिए। तुम सब लोग छत्ते में जाओ और मैं रानी परी के पास जाती हूँ उनसे मदद मांगने। परी लोग पहुंचकर वो मधुमक्खी रानी परी को सारी बातें बताती हैं और उसकी मदद करने को कहती हैं। आप चिंता मत कीजिए मधु रानी, मैं भी धरती पर जाती हूँ और पता करती हूँ कि क्या बात है। उधर बुलबुल चिड़िया रोज की तरह घर के काम कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक परी रानी पहुँच जाती है। अरे, आप कौन हो? मैं रानी परी हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। मैं धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो? ये सुन बुलबुल चिड़िया रोने लगती है। परी रानी, मेरे पति रोज की तरह ऑफिस गए थे, लेकिन बहुत दिनों से वो घर ही नहीं आए। बुलबुल, आप रोना बंद कीजिए। मैं अभी अपने जादू से पता करती हूँ कि आपका पति अभी कहाँ है। और रानी परी अपने जादू से बुलबुल के पति को देखती है। अरे, तुम्हारे पति को तो एक चुड़ैल ने कैद कर रखा है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं उसे बचा लूंगी। अरे परी रानी, ये आप क्या कह रही हो? तुम घबराओ नहीं बुलबुल, मैं अभी जाती हूँ।
और रानी परी वहाँ से चले जाती है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। रानी परी उस भूतिया गुफा में पहुंच जाती है और वो जल्दी से जल्दी बबलू कबूतर को बचाने उस भूत से लड़ने चले जाती है। कहाँ छिपके बैठा है दुष्ट, बाहर निकल। अच्छा तो तू ही है जंगल की चिड़ियाओं को परेशान करने वाली, चुपचाप से बबलू कबूतर को आजाद कर दे वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वाह, आ तो मजा आ गया, दो दो शिकार, एक चिड़िया और एक परी, आज तो मेरी दावत हो जाएगी, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा तुझे अभी बताती हूँ, ये ले। धन्यवाद रानी परी, मैं एक चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गई हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परी रानी बबलू कबूतर को आजाद कर देती है और उसे सारी बातें बताती है और बबलू कबूतर को घर जाने को कहती है और अपना भी परीलोक वापस लौट जाती है। आप भी अपने घर जाइए, आपकी पत्नी और माँ आपका इंतजार कर रही है। ये कह के रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और बबलू कबूतर भी अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ आप कहाँ हो माँ, देखो कौन आया है। अरे बबलू बेटा, तुम कहाँ थे इतने दिनों से, हम कितने परेशान थे बेटा, तुम कहाँ थे। और बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत पछतावा होता है। बहू मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म करे। माँ आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप हमसे बड़ी हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ माँ। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और वो तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, बाय बाय, टेक केयर। आज टोनी चिड़िया को बाजार जाना है, वो अपने घर के लिए सामान लेने जाएगी और टोनी चिड़िया जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और सामान लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। वो चल ही रही थी तो उसे रास्ते में मिट्ठू तोता दिखता है और वो मिट्ठू तोते के पास जाती है और पूछती है। मिट्ठू तोता, क्या तुम भी मेरे साथ बाजार शॉपिंग करने चलोगे? तो मिट्ठू तोता बोलता है, नहीं टोनी चिड़िया, आज मुझे कहीं और जाना है तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता, आप जाओ अकेले। और टोनी चिड़िया अकेले ही बाजार की ओर निकल जाती है। टोनी को अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। अरे तुम कौन हो और आपको किसने यहाँ बांधा है? तो वो चिड़िया रोते रोते कहती है, मेरा नाम चीनू है और मुझे जॉम्बी ने यहाँ बांध रखा है। तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हें खोलती हूँ। तभी वहाँ कुछ जॉम्बीज आ जाते हैं और वो टोनी चिड़िया को देख लेते हैं। उन्हें देखकर टोनी चिड़िया घबरा जाती है और रोने लगती है।
तभी एक जॉम्बी टूनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टूनी चिड़िया भी जॉम्बी बन जाती है। टूनी चिड़िया भी अब और जॉम्बीज की तरह जंगली जानवरों को परेशान करती है और उन्हें खाने लग जाती है। तभी वहाँ एक परी आती है। वो परी बहुत खूबसूरत होती है। वो परी जल्दी से जल्दी टूनी चिड़िया के पास जाती है और अपने जादू से वो टूनी चिड़िया को फिर से सही कर देती है। और टूनी चिड़िया पहले के जैसी हो जाती है। टूनी चिड़िया रोते रोते कहती है, परी रानी, जॉम्बीज ने जंगल में एक चिड़िया को कैद कर रखा है, आप उन्हें भी आजाद कर दीजिए। तुम घबराओ नहीं टूनी, मैं आ गई हूँ। मैं अभी जाती हूँ, उन जॉम्बीज को सबक सिखा के आती हूँ। तब परी रानी उन जॉम्बीज को खत्म करने उनके जंगल में जाती है और अपने जादू से उनको खत्म कर देती है। तब परी रानी सीनू चिड़िया के पास जाती है। तुम घबराओ नहीं चिड़िया रानी, अब मैं आ गई हूँ, अभी मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, रुको। धन्यवाद रानी परी, उन जॉम्बीज ने मुझे बहुत समय से कैद करके रखा था। अब मैंने सारे जॉम्बीज को खत्म कर दिया है। चिड़िया रानी, अब आप भी अपने घर जाइए। ये कह के रानी परी भी वहाँ से चले जाती है। रानी परी टूनी चिड़िया के घर चले जाती है। उन्हें देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और रानी परी टूनी को अपने महल ले जाती है।